नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंह आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, लाभ हानि का ये तीसरा पार्ट है और लास्ट पार्ट है। सारे प्रश्न उम्मीद करते हैं पिछले जितने भी प्रश्न होंगे उसको आपने दो बार तीन बार लगा लिया होगा। मित्र, इससे बाहर ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, तो इसको भी शुरू करते हैं। जैसे इसका पहला प्रश्न है, दिया है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रस्तुत हानि। तो दोस्त, मैंने आपको से कहा, पहले भी ऐसा प्रश्न आपने किया, आपको कुछ करना नहीं है। 40 वस्तु का कास्ट प्राइस, तो 40 क्रय ये बराबर है 36 विक्रय के, तो मैंने बराबर लिख दिया और यहाँ लिख दिया 36 विक्रय। कई तरीके हैं दोस्त, लेकिन ये सबसे सरल तरीका है। अर्थात हम यहाँ से निकालना चाहते हैं क्रय और विक्रय का रेशियो। तो मित्र, आपको पता है कि अगर आप क्रय और विक्रय का रेशियो निकालते हैं तो दोनों पक्षों का तुलना करते हैं। तो मित्र, जब तुलना करेंगे तो ये पलट जाता है, क्रय 36 हो गया और विक्रय हो गया 40। कहता है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ये उल्टा हो गया। आपसे एक जो कहा है उसने उल्टा कहा है कि 36 वस्तुएं हैं जिनका क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय, मतलब 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो पहले क्रय ही लिखिए दोस्त, क्रय ये 40 के विक्रय के बराबर है। 40 का क्या विक्रय? अब देखिए, हमें इन दोनों को बराबर करना है, तो दोस्त हम इसको बराबर कर लेते हैं। अब आप जानते हैं क्रय और विक्रय का रेशियो क्या आ जाएगा, क्रय रेशियो विक्रय। दोस्त ये पलट जाता है, ये हो गया 40 रेशियो 36। अगर हम यहाँ से देखें, आपने एक वस्तु 40 में खरीदी और 36 में बेची, तो आपको घाटा लग रहा है दोस्त, कितने का हानि हो गई, प्रतिशत लगा लीजिए, हानि प्रतिशत बराबर जितने की हानि हुई। मैंने 40 में खरीदा, 36 में बेचा, तो मुझे घाटा हो रहा है 4 रुपये का, 40 पर और गुणे क्या 100। दोस्त ऐसे प्रश्न मैंने पहले भी बता दिए, तो 4 4 कट गया ये भी, तो आया आपका 10%, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आए हैं आप में, तो इन्हें दिमाग में रखिएगा, बस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा कि उसने कहा क्या है। दोस्तों अगर हम आ जाएं इसमें, तो देखिए ये भी वही वाला प्रश्न है जैसे आपने पहला किया, वैसे ही आपका ये भी है। ध्यान से देखें, 58 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान क्या रखना है दोस्त, कि क्या दिया है, पहले क्रय दिया है। आपसे कहता है 58 संतरों का कास्ट प्राइज है कितने के बराबर, यहाँ पढ़िए, 50 संतरों के विक्रय के बराबर, 50 के विक्रय के बराबर। तो दोस्त हम यहाँ निकाल लेते हैं क्रय रेशियो विक्रय, क्रय रेशियो विक्रय। मेरे भाई, आपको मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि ऐसे तुलना करने पर क्रय की वैल्यू ये और विक्रय की ये, तो आपका क्रय हो गया 50 और विक्रय हो गया 58। दोस्त मैंने 50 में वस्तु खरीदी और 58 में बेची, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का मेरे भाई? ये तो आपको भी पता है कि मुझे लाभ हो रहा है 8 रुपये का, वो भी 50 में, क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 50 दुनाई 100 और 8 दुनाई 16, तो मेरा उत्तर कौन सा आएगा, 16%। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके कई हो गए हैं। आइए, कहता है एक सोनार, दोस्त ये भी बढ़िया प्रश्न है, आपको दिया है एक सोनार 2 अंगूठियों में से प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, एक पर 20% की हानि हुई और दूसरे पर 25% लाभ। तो हम इसे तुलना कर लेते हैं दोस्त, इस मूल्य का उपयोग ना भी करें तो भी हम आराम से कर सकते हैं। 20% दोस्तों, आपने या तो पढ़ा है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, या एक तरीका होता है 20% का मतलब होता है 20/100, अर्थात दोस्त 1/5, और 25 का मतलब होता है 25/100, अर्थात दोस्त 1/4। मित्र अगर आप एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुड़े वाई बटे 100 उपयोग करते हैं तो आप वही करिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिशत तुलना करने का सबसे सरल तरीका है। हर इसकी वास्तविक वैल्यू होती है, तो 5 और गुड़े कितना 4, ये आ गया 20। पहले में कहा है दोस्त कि पहला 20% हानि पर, तो 5
हानि है तो अंश और हर को घटा देते हैं, ये चार आ गया, और लाभ है तो जोड़ देते हैं, तो ये चार एक पाँच आ गया। अर्थात इस सौदे में उस वाले आदमी को ना तो फायदा होगा और ना तो हानि, तो ये दिया नहीं है, तो ये कौन सा? या मित्र, यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो बेहिचक आप इसका उपयोग करिए। देखिए 20 का लाभ है तो 20 प्लस में रखिए, फिर 25 की हानि है तो माइनस में रखिए, फिर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस, और ये 20 हो गया और ये 25 हो गया, और बटे कितना हो गया 100। तो दोस्त हल करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, आइए अगले में लिए चलते हैं। आपको अगला कहता है किसी को 500 बेचने पर इतना है, बेचने पर इतना लाभ से 50 अधिक है। कोई बात नहीं दोस्त, ये और भी बेहतर तरीका है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक एकदम शार्ट और एक लॉन्ग। तो देखिए दोस्त, 560 रुपये में हानि, तो हानि बराबर होता है मेरे भाई क्रय माइनस विक्रय, तो क्रय हो गया, पता नहीं है ज्ञात करना है, विक्रय दिया है 560 रुपया, यह हानि हो गई दोस्त। फिर कहता है 700 बीच में लाभ, तो लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय, देखिएगा दोस्त, हमें दोनों को इक्वल करना है तो हम बीच में पहले बराबर का निशान रखें, ये वाला हमारा हानि है और ये वाला हमारा लाभ है। तो दोस्त कहता है इतने में बेचने पर जो हानि हुई लाभ से 50 रुपया ज़्यादा है, हानि ज़्यादा है, जो इतने में बेचने पर हानि हुई वो लाभ से ज़्यादा है। बराबर करने के लिए या तो हानि में घटा दें या तो लाभ में क्या करें, क्योंकि देखिए बेचने से हुई हानि इतने में बेचने लाभ से अधिक है, तो मैं लाभ को दे देता हूँ कि भैया आप 50 और रख लो, आप हमारे बराबर हो जाओ। ठीक भैया, अब क्या ये क्रय लिखा है दोस्त, तो मैंने भी तो लिखा, माइनस है इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको मैंने प्लस कर दिया, ये बराबर 720 में 50 जोड़ेंगे तो 770 हो जाएगा, प्लस प्लस है दोनों जुड़ गए, 0 0 5 2 7, ये माइनस है ये प्लस, माइनस और प्लस प्लस आपका दो क्रय हो गया, हम इसे भी जोड़ेंगे, 0 आया, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, 7 5 12 1 13, 1330 रुपया। तो क्रय बराबर इससे भाग दीजिए तो ये आएगा 2 6 12 1 13, 2 6 12 1 13 और 2 5 6 10। या दोस्तों हम कर सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड पाई 2। इसका उपयोग तब करते हैं जब हानि वाला ज़्यादा हो, और अगर लाभ वाला ज़्यादा है तो x प्लस वाई माइनस जेड बाई 2। तो दोनों में से हानि वाला ज़्यादा है तो माइनस करना है, लाभ वाला ज़्यादा है तो प्लस करना है, और दूसरी बात बेसिक लगाना है, तो मैंने बेसिक बता दिया। यहाँ पर अगर रखेंगे तो 560 प्लस 720 प्लस 50 बटे 2। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, पचवें पर। अब देखिए ये कहता है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ढेर सारा आप कर चुके भाई ऐसा प्रश्न, 10 का क्रय बराबर 7 का विक्रय, तो क्रय और विक्रय का रेशियो क्या आ गया, क्रय रेशियो विक्रय, ये बराबर है, पलट दीजिए 7 रेशियो 10, 7 में आपने खरीदा और 10 में बेचा तो निश्चित तौर पर आपको लाभ हुआ, कितने का हुआ, 7 की खरीद है 10 में बेच रहे हैं तो फायदा 3 का, 3 बटे 7 और गुणे कितना 100, इसे करेंगे तो 300 और बटे 7, देखिए भाग दीजिए 7 6 28 2 3 7 9 14 6, तो क्या हो गया 42 सही 6 बटे 4 6 बटे 7 प्रतिशत का लाभ। आइए दोस्त आपको अगले प्रश्न पे ले चलते हैं। ये देखिए एक खिलौना इतने पर बेचने पर, कहता है एक खिलौना 21 रुपये 60 पैसे में बेचने पर हानि होती है 10% की। तो दोस्त हानि की स्थिति में क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य, मैंने लिख दिया, गुणे 100 और बटे में मैंने आपको बताया था 100 माइनस हानि प्रतिशत होता है, तो 100 और हानि 10 का है तो ये 90 हो गया दोस्त, एक क्रय मूल्य हो गया। आप फिर से बता दे रहे हैं हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, ये क्रय आ गया।
कहता है 20 लाभ चाहिए, तो 100 पर 20 का लाभ, ये तो आप पहले पढ़ चुके होंगे दोस्त। 20% लाभ का मतलब क्या होता है, 100 पर प्लस कितना 20, तो 120 हो गया। दो 100 से 100 कट गया, मैंने भी काट दिया, 0 से 0 कट गया, मैंने काट दिया, 9 से भाग दे दो, 6 2 8 1 9 कट रहा है, देखिए 9 दुनी 18 और 9 चौक 36 और 0 और गुड़ो, जब आप इसे 12 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 शून्य शून्य आ गया, 12 चौक 48 आ गया। अब देखो आगे ना हल करो तो भी पता चल रहा है यही है, और 12 दुनाई 24 चार 28 आ गया, तो कितना आ गया 28.8। तो मित्र ये भी आपको बेहतर समझ में आया होगा, आइए अगले पे आपको ले चलते हैं, आराम से एक बार दो बार आप देख लीजिएगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये भी वैसा ही प्रश्न है, कहता है 100 केला बेचने पर फल विक्रेता को 20 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, 100 केला बेचने पर विक्रय दिया है आपको, विक्रय है 100, तो आपका लाभ हो रहा है कई केले के बराबर, 20 केले के बराबर, तो आपने खरीदा कितने में था, 80 में। दोस्त हमने कुछ किया नहीं, बस सीधे सीधे आपको कुछ भी नहीं करना है, 100 केले का दाम 100 मान लिया, लाभ 20 केले का तो 20 हो गया। अब देखो भैया लाभ प्रतिशत बराबर होता है जितने का लाभ हुआ 20 का बटे जितना क्रय मूल्य है और गुणे क्या 100, तो ये 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे तो 25, तो दो कितने परसेंट का। अब इसमें x मानिए या मानिए आप 100 केला 100 रुपये का, तो इसमें लंबा हो जाता है, इसलिए दोस्त आप फटाक से रखिए और हल करिए, भी आपको बेहतर आया होगा। आइए 8वें में ले चलते हैं, 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दोस्त अभी आपने पहला प्रश्न किया सेम टू सेम वैसे है, बस यहाँ थोड़ा सा पेंसिल का नाम दे दिया, वो भी विक्रय दिया है। 100 पेंसिल बेचा और दुकानदार को 20 विक्रय के बराबर लाभ हुआ, तो दोस्त ये भी तो वही आएगा, और यहाँ कास्ट प्राइस आ जाएगी 80 रुपये। पिछला प्रश्न सेम टू सेम है, बस यहाँ पेंसिल कर दिया, 20 बटे 80 और गुड़े क्या 100, तो दोस्त ये भी आपका आ गया 25%। कुछ हुआ नहीं, बस आपका यहाँ पर पेंसिल कर दिया, ठीक है दोस्तों। आइए अगले पे ले चलते हैं दोस्तों आपको 9वें प्रश्न पर, ये देखिए दोस्त कहता है एक घड़ी को 75 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्त यहाँ देखने से पता चल रहा उसके कहीं नज़दीक है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे। मित्र मेरे पास एक रूल होता है कि अगर 75 को दो पार्ट में तोड़ दीजिए जिनका अंतर 10 के बराबर हो, हमेशा लाभ वाले में ध्यान रखिएगा, अंतर कितने के बराबर होना चाहिए 10 के, तो मैंने किया ये 15 हो गया और ये 50 हो गया, 5 हो गया, और जब इस 5 को आप इस 10 से गुणा कर देते हैं तो ये 50 हो जाता है। फिर से सुनिए, 75 को दो भाग में आपको तोड़ना है, 75 को आपको दो भाग में डिवाइड करना है जिनके बीच का अंतर केवल और केवल 10 आना चाहिए। तो देखिए 75 दो पार्ट, एक 15 और एक 5, इनके जो डिफरेंस आने चाहिए वो 10 के बराबर होने चाहिए दोस्त। छोटे वाले में इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो यही इसका उत्तर हो जाता है, तो 50 रुपया होगा, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्त। यदि 50 दिया होता तो हम इसको 50 मान लीजिए, यहाँ 5 ना होता, यहाँ 50 दिया होता तो यही आपका उत्तर हो जाता, ठीक है दोस्त। आइए आगे चलते हैं 10वें प्रश्न में, कहता है किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि से दुगुना है, तो लाभ दोस्त ऐसा प्रश्न पहले भी आ गया, लाभ बराबर आपका होता है विक्रय माइनस क्रय, तो 840 विक्रय है, क्रय का पता नहीं तो क्रय लिख लीजिए, हानि बराबर होता है दोस्त क्रय और माइनस विक्रय, माइनस विक्रय मतलब 600, हमें दोनों बराबर करना है। कहता है 840 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 600 रुपये में बेचने पर हानि से दुगुना, कौन दुगुना, लाभ वाला, किस से, हानि वाले से, तो अगर मैं हानि वाले को 2 से गुणा कर दूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा। देखिए ये माइनस क्रय है दोस्त,
और इसको इधर लाएंगे दो से गुणा करके तो दो क्रय, तो माइनस दो क्रय बराबर माइनस छः जुनाई 1200 और ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस 840। हल कर लेंगे तो माइनस तीन क्रय बराबर जीरो आया, चार आया, आठ दो दस आया और एक एक दो आया। अब क्रय बराबर, यहाँ माइनस तो है ये, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, क्रय बराबर इससे इसको काट दीजिए तो आपका आ जाएगा तीन अट्ठे चौबीस। ये देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, तीन से भाग देंगे 2040 को तो कितनी बार जाएगा, तीन छः अट्ठारह दो बीस, तीन अट्ठे चौबीस और जीरो तो कितना आ जाएगा 680 रुपया। तो देखिए 680 रुपया यहाँ है। या मित्र इसी को अगर गुने में हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्त, कैसे कर सकते हैं, एक शॉर्ट रूल का प्रयोग कर सकते हैं। वो शॉर्ट रूल आपका होता है एक्स प्लस वाई इंटू एन अपान एन प्लस वन, एक्स प्लस वाई इंटू एन अपान में एन प्लस वन, चाहे लाभ ज़्यादा हो चाहे हानि। तो यहाँ दिया है 840 एक्स की वैल्यू लिख लीजिए, वाई की वैल्यू दिया है 600 लिख लीजिए, गुना है आपका दो लिख लीजिए और बटे दो धन एक, तो ये 800 हो गया आपका, 840 ये हो गया और प्लस 1200 ये हो गया और बटे में तीन हो गया, 12 8 20 हो गया 40, 2040 हो गया और बटे में तीन, तो आप जब भाग देंगे तो तीन छः 18, तीन अट्ठे 24 तो कितना आ गया 680। ठीक है दोस्तों, आइए अगले पे चलते हैं। कहता है 36 संतरे बेचने पर चार संतरों के विक्रय मूल्य, तो दोस्त ये तो मैं पहले ही बता चुका, विक्रय आपको दिया है 36 संतरे का तो 36 विक्रय लिख लीजिए। कहता है उसे चार संतरों के बराबर हानि हुई, तो दोस्त यहाँ हानि लिख लीजिए, तो क्रय कितना हो गया 36 में बेचने पर चार रुपये का हानि हुआ, तो खरीदा कितने में था। मेरे भाई फिर से सुनिए, मैं 36 में बेच रहा हूँ तो चार की हानि हो रही, मतलब खरीदा मैंने 40 था और हानि प्रतिशत बराबर तो आप हमसे भी बेहतर जानते हैं जितने की हानि हुई बटे जितना क्रय मूल्य था और गुणे में क्या 100। ये यहाँ से कट गए, यहाँ से कट गए तो मेरा आ गया कितना परसेंट 10%। ठीक है दोस्तों, आइए अगले पे चलते हैं। ये देखिए ऐसे प्रश्न भी मैंने आपको पहले बता दिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु वह एक किलोग्राम की जगह 960 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, तो पूछा गया है वह कितने प्रतिशत का लाभ लेता है। तो दोस्त लाभ लेने का मतलब मैंने कहा था आपको, एक व्यापारी है तो जितना मापना था माइनस उसने जितना मापने का कष्ट किया बटे जितना मापा, और गुड़े में 100। इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें तो एक किलोग्राम है, एक किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, मापा है 960 ग्राम, बटे में 960 ग्राम और गुड़े में कितना 100। हल करना है दोस्त इसी को, तो कुछ भी करना नहीं है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ बराबर करके। ये 40 हो गया और ये 960 हो गया और गुड़े में आपका 100 हो गया। दोस्त यदि मैं इससे काटूं तो जीरो से जीरो कट गया, इससे काट दूं तो यह आया 4 दुनाई 8, 1 9 4 4 16, फिर काट दो 4 6 24 और 4 25 में 100। दोस्त मेरे पास जो ऑप्शन हैं उनमें जाइए, 25/6 तो देखिए हमें भिन्न में दिया है, 25 को 6 से भाग देंगे तो 4 सही 1/2 कितना। मित्रों आपकी बुक में दिया है 1000 - x/x^100, मत याद करिए, कभी कभी एक किलोग्राम की जगह 600 ग्राम 800 ग्राम 1.5 किलोग्राम दे देता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ ये देखिए दोस्त बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 30% 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा ज्ञात कीजिए। तो मित्रों हम लोगों ने रटा है -x -y + x^y/100,
ये तीन पर करने के लिए दो बार करना पड़ता है, उससे बेहतर देखिए ये 30% का प्रतिशत हटा दीजिए, ये आ गया। यदि हम 30% का प्रतिशत हटाएंगे तो ये कट गया, 3/10 आ गया। दूसरा दोस्त दिया है 20%, मतलब 20/100, ये आ गया 1/5। तीसरा दिया है 10%, मतलब 10/100, 1/10। दोस्त ये समझ लेंगे तो सारे प्रतिशत की तुलना आराम से होगी। किसी भी प्रतिशत को हर में बदलने पर हर को मूल मान लेते हैं, क्योंकि जो हर में लिखा है उसका 30% निकालने पर यही आएगा, ये निकालने पर, तो कुछ नहीं। ये हो गया 10, गुणे हो गया 5, गुणे हो गया 10। तो दोस्त जब मैंने हल किया तो ये 500 आ गया। बट्टा का मतलब छूट, तो हमेशा घटेगा, ये हो गया 7, यहाँ भी घटेगा। देखिए लाभ होता तो प्लस कर देते, बट्टा है तो माइनस, गुणे 5 में से 1 गया 4, गुणे 10 में से 1 गया तो कितना 9, तो ये आ गया 7 6 28, 8 9 72, 9 8 72 7 हासिल, और 9 2 18 7, 252। तो दोस्त पहले 500 था, बाद में 252 हुआ, कितना घटा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, बटे जितना शुरू में था और गुणे में कितना 100, बस काट दीजिए, उत्तर आ गया। जब आप घटाए हैं यहाँ 2 आएगा, काटेंगे तो 5 6 20, 4 6 20, 5 9 45, तो 49 दशमलव कितना आ गया 6। ये तो एक मेथड है जिससे प्रतिशत के सारे प्रश्न लगभग हल होते हैं, कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, जो हर में है उसका गुणा करिए मूल मान, बट्टा है तो कमी या छूट। दोस्त एक और तरीका है, बेहतर कर सकते हैं। आप जानते हैं प्रतिशत का उच्चतम वैल्यू कितनी होती है, आपको भी पता है प्रतिशत की उच्चतम वैल्यू 100, तो 100 लिख लिया। पहला 30% छूट, तो 100 में 30 कितने के बराबर, 70/100। दूसरा 20% है तो 80/100। तीसरा आपका 10% है तो 90/100। उत्तर प्रतिशत में चाहिए इसलिए गुणे 100, यहाँ से ये कट गया 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया 100 माइनस 8, 8 9 72 27, 7 2 14, 1 हासिल, और 7 7 49, और 1 50, इतना बटे 10 है तो आप 10 से भाग दे दीजिए, तो 100 माइनस 50.4, ये आ गया आपका दोस्त 49.6%। तो ये भी एक तरीका है, आप इससे भी इसको कर सकते हैं, बट्टे के प्रश्न हैं, जिससे आपको अच्छा लगे उससे करिए दोस्त। आइए अगला, 20 और 15%। तो दोस्त ये भी तो उसी तरह से आप हल करते हैं जैसे ये है, वैसे ही इसको भी तो हल करना है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 20% का पहले प्रतिशत हटा दीजिए, तो ये 20/100 हो गया, मतलब 1/5 हो गया। दूसरा 15% का प्रतिशत हटाइए, 15/100 हो गया, 5 3 15 और 5 2 100, जो तरीका मैंने बताया उससे हर का गुणा कर दीजिए, 5 और 20 का गुणा हो गया 100। देखिए कितना आसानी से आ जाता है, कुछ करना नहीं होता। बट्टा मतलब छूट है, तो माइनस 5 में से 1 गया 4, गुणे 20 में से 3 गया 17, तो आपका ये हो गया कितना 68। पहले 100 था बाद में 68, तो 10 में से 8 गया 2 आया, और यहाँ 32 आया, कितने में 100 में, और गुणे 100, तो आपका सीधे सीधे आ गया 32%। देखिए दिया है, ठीक है दोस्त, या x प्लस वाई प्लस x गुणे वाई बटे 100 से भी कर सकते हैं, हर स्थान पर माइनस लेकर। माइनस इसलिए क्योंकि बट्टा का मतलब ही होता है छूट। अब देखिए दोस्त ये भी प्रश्न, वैसे एक व्यक्ति 2 वस्तुएँ 640 रुपये के मूल्य पर बेचता है, पहली पर 20% का लाभ और दूसरी पर 40%। तो दोस्त वही है, 20% का मतलब कितना, 1/5, और 40 का मतलब होता है 2/5। मैंने 20 से काटा, 20 1 के 20, 20 25 100,
इधर काटा 20 दुनाई 40, 20 पंचे 100, तो हर का गुणा मूल मान होता है पचहम 25। अब ये इसमें ध्यान से देखिएगा, पहली पर लाभ है तो जोड़ दीजिए, पाँच में एक जोड़ेंगे तो ये 6 आ गया, और गुणे पाँच में 40, पहले पर 20 लाभ, दूसरे पर भी लाभ है तो जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, तो इसे जब करेंगे तो 6 सते कितना 42। ध्यान से देखिए, हर का गुणा मूल मान होता है 25, और 5 एक 6, 5 2 7 42, तो 25 से बढ़कर 42 हो गया, मतलब प्रॉफिट हुआ कितने का, 12 में से 5 गया, यहाँ आ जाएगा आपका 7, और यहाँ बचा 3, 17 का हुआ 25 में, और गुणे 100। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, जितने का लाभ हुआ बटे क्रय मूल्य, मतलब ये जो प्रारंभिक था वास्तविक, और गुणे 100। तो आप जब काटेंगे दोस्त तो ये आ गया 25 चौक का 100 और 17 चौक 68, नहीं दिया है मतलब इनमें से कौन सा, कोई नहीं। मित्र देखिए, 2% की तुलना का एक प्रश्न जरूर आएगा, और ये सबसे सरल तरीका, फिर से मेरी बात सुनिए, पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, हर का गुणा मूल मान होता है, लाभ है तो अंश हर को जोड़ेंगे, और हानि है तो अंश और हर को घटा देंगे। तो ठीक है दोस्त, ये भी कर लेंगे, बस दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लाभ हानि कंप्लीट हुआ, इसके आगे का चैप्टर आपको पुनः मिलेगा, धन्यवाद।